हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह है टोयोटा अर्बन क्रूज़र बेसिक वेरिएंट, मिड वेरिएंट है। इस कार में क्या खास है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, बेसिकली ये बेसिक वेरिएंट है। तो बेसिक वेरिएंट के अंदर आप फॉग लैंप इंस्टॉल किए गए जो कि टॉप मॉडल में आता है। इसके बाद में ड्यूअल चेंबर LED प्रोजेक्ट हेड लैंप्स है जो कि ऑलरेडी इस कार में आते हैं। एक साइड प्रोफाइल से भी आप देख लीजिए पहले, इसके अंदर क्रोम डोर हैंडल लगाए गए हैं। इसके बाद में रियर व्यू, और ये इसका राइट हैंड साइड का प्रोफाइल। सो अभी देखिए, बेसिकली इस कार के अंदर सोनी का म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो कि अभी मैं आपको ऑन करके बताऊंगा। ये देखिए, और इसके अंदर अंडर सीट सब ऊपर इंस्टॉल किया गया है। ये देखिए, इसके अंदर अंडर सीट सब ऊपर इंस्टॉल किया गया है। सो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। ये जो म्यूजिक सिस्टम है वो मैं ऑन करके दिखाऊंगा, और साउंड सिस्टम कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो ये कार के अंदर सब आ जाती है। ग्लो बॉक्स भी इसके अंदर आ जाता है, ऊपर नीचे। इसके बाद में स्टीयरिंग वाटर कंट्रोल्स भी आ जाते हैं ये कार के अंदर। लेग रूम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम टू सेम वही है जो टॉप वेरिएंट में आता है। सो गाइस, अभी ये जो म्यूज़िक सिस्टम है वो ब्लूटूथ के साथ पेयर करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए, तो सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे पेयरिंग पे क्लिक करना है। सो पेयरिंग पे क्लिक करने के बाद में जो ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर स्कैन करना है हमें, और फिर स्कैन करने के बाद में जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है अभी XAVAX5500, इसके ऊपर क्लिक करना है। और फिर अभी यहाँ पे बाद में पेयरिंग के ऊपर हमें प्रेस करना है, यहाँ पे ओके करना है, और ये जो म्यूज़िक सिस्टम है वो कनेक्ट हो चुका है। सो यहाँ पे कुछ परमिशंस पूछेगा मोबाइल, सो वो परमिशंस को अलाउ करना है। इसके अंदर आपको ये जो म्यूज़िक सिस्टम है, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सिस्टम भी मिलता है। सो अभी मैं इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो कैसा है वो मैं बताता हूँ। सो अभी मैं NCS के सॉन्ग्स जो है वो प्ले करता हूँ। जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है वो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी काम करते हैं। ये देखिए, और जो म्यूट का ऑप्शन है वो भी काम करता है, और जो मोड का बटन है वो भी काम करता है, और ये सॉन्ग्स प्रीवियस नेक्स्ट ये भी काम करता है। सो अभी मैं ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देता हूँ। ये देखिए,
सो गाइज देखिए ये बेसिक वेरिएंट है। बेसिक वेरिएंट के अंदर आपको आमरेस नहीं मिलता है, लेकिन ये जो कार है इसके अंदर जो ओरिजिनल टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो आमरेस मिलता है वो इंस्टॉल किया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं ये इस कार के अंदर जितने भी एसेसरीज फिट किए गए हैं वो मैं सबकी प्राइसिंग दे दूंगा। सो अगर आपको प्राइस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लीजिए। और अभी मैं आपको जो ये फ्रंट के जो फॉग लैंप्स है वो मैं ऑन करके दिखाता हूँ। और इसके अंदर माइक भी है, यहाँ पे देखिए ये माइक ऊपर इंस्टॉल किया गया है, यानी कि अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद में अगर आपको कोई कॉल आता है तो आप रिसीव कर सकते हो हैंड्स फ्री। सो सो गाइस अभी मैं आपको फॉग लैंप ऑन करके दिखाता हूँ। सो फॉग लैंप ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले तो देखिए हेडलाइट ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा आपको, ये बटन प्रेस करना होगा और फिर अभी ये फॉग लैंप जो है वो ऑन हो गया होगा। यहाँ पे देखिए जो फॉग लैंप है वो ऑन हो चुका है और ये देखिए जो इसका ब्राइटनेस है वो भी पावरफुल है। आपको जो फ्रंट व्यू है वो भी अभी दिख रहा होगा। ये देखिए ये हाई बीम लो बीम इसके अंदर आपको देखिए, तो अगर USB कनेक्ट करना है तो USB आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको चार्जिंग के पोर्ट दिए गए हैं और ये रिमोट से भी ऑपरेट हो सकता है। Android Auto और Apple CarPlay सिस्टम भी दी गई है ये कार के अंदर। और ये कुछ इसके अंदर फंक्शंस है, एक बेसिक जो भी फंक्शंस रहते हैं वो सब है अभी इसके अंदर। रेडियो है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, फ़ोन है, इसके बाद में ये वॉल्यूम एडजस्ट करने के बटन है, इसके बाद में सॉन्ग्स नेक्स्ट एंड प्रीवियस करने के लिए है, इसके बाद में ये ऑप्शंस है। एक्स्ट्रा बास के अंदर आपको जाना है तो एक्स्ट्रा बास आपको इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये देखिए सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है यूजफुल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो एक बार फिर से जाते जाते सॉन्ग सुन लीजिए। Bye friends.